दोस्तों हमारी बस आ चुकी है लक्ष्मी हॉलीडे। ये वाला भाई जो तो आप देख रहे हो ना, ब्लैंकेट मिला है। तो भाई वापस चलते हैं, बस के अंदर ठंड है क्योंकि काफी। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो? फिलहाल मैं खड़ा हूँ दिल्ली के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी जाना चाह रहे हो बाय बस या बाय वॉल्वो तो आप कैसे जा सकते हो, टिकट क्या रहने वाली है, टाइमिंग क्या रहेगी बस की और कहाँ से आपको बस मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं आपको। सेमी स्लीपर बस का किराया कितना होता है, स्लीपर बस का किराया कितना होता है, सारी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। तो मैंने अपनी जो बस की बुकिंग करी है भाई दिल्ली से वैष्णो माता के जाने के लिए, कटरा जाने के लिए, तो मैंने करी है लक्ष्मी हॉलीडेज से। तो मैं आपको दिखाऊंगा लक्ष्मी हॉलीडेज का मैंने काफ़ी नाम सुना है कि काफ़ी बढ़िया बस होती है, तो इसलिए मैंने उससे बुकिंग करी है आपको दिखाने के लिए कि कैसी उसकी बस होती, मतलब कैसी वो बस होती है। तो चलिए दिखाता हूँ, स्लीपर मेरी जो है बस की बुकिंग है, तो बस की पूरी फैसिलिटीज़ दिखाऊँगा, बस कहाँ कहाँ पर बीच में रुकती है, स्टॉप कहाँ पे लेती है ये दिखाऊंगा, किराया वगैरह, टाइमिंग वगैरह एवरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, दिल्ली टू कटरा बाय बस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे आए पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। यहाँ पे देखो भाई कौन मिल गया हमको, तो भाई फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ, मैं आपको लोकेशन बताया था अपनी, ये पीछे आप देख रहे हो भाई ये मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन, वहाँ सामने है गेट नंबर एक से बाहर निकलोगे ना तो यही सामने आपको बस स्टैंड दिखाई दे जाएगा जहाँ से वॉल्वो आपको मिल जाती हैं अगर आप कटरा जाना चाह रहे हैं दिल्ली से। तो जो मेरी बस है लक्ष्मी हॉलीडेज वो भी यहीं से ही जाएगी, अभी टाइम हुआ नहीं है, 9 बजे जाएगी बस। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी आपको बसेस मिल जाएगी। मैंने भाई लक्ष्मी हॉलीडे पे बुकिंग करी है अपनी जो है कटरा की, और मैंने जो है पेटीएम से करी थी, तो लक्ष्मी हॉलीडे का मेरे पास देख सकते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी लोकेशन बताई है कि बस मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरा सीट नंबर क्या है, बस नंबर क्या है, सब कुछ इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेज दी है। दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भाई बस बुकिंग करना चाह रहे हो भाई दिल्ली टू वैष्णो देवी या फिर दिल्ली टू कटरा, तो आप कैसे कर सकते हो, तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए दिल्ली टू कटरा बस, तो आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारी साइट ओपन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेटीएम है, रेड बस है, मेक माई ट्रिप है, और यहाँ पे हम नीचे आए तो गोबीबो है, अभी बस है, कई सारी मतलब ये साइट आ जाती हैं। तो पेटीएम को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे चलिए देखते हैं भाई क्या आता है। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, पहले पासवर्ड लगा देते हैं। तो पासवर्ड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी ना साइट आ जाएंगी जो कि बस की होती हैं। सबसे ज़्यादा फेमस इनमें से जो है ये, पहले यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली ये मैंने सर्च कर रखा है पहले, तो दिल्ली टू कटरा तो 7 जनवरी की दिखा रहा है, देखते हैं इसको ओपन करके। तो देख सकते हैं सबसे ऊपर आ रहा है लक्ष्मी हॉलीडे की, जो कि टाइम देख सकते हो आप रात के 9 बजे और सुबह 10 बजे तक ये पहुंचा देगी, 13 घंटे 20 मिनट ये लेने वाली है, 32 सीट बची हुई हैं, 665 रुपीज़ ये ले रही है। तो इसके एक बार ना ओपन करते हैं, इतने कम रुपए क्यों ले रही है ये आप देख सकते हो, इतने कम रुपए ले रही है, मतलब 1000+ नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या है ना सेमी स्लीपर में है। अगर आपको स्लीपर में चाहिए तो आप स्लीपर में ये देख सकते हो, ये वाली जो है जितनी भी सारी सेमी स्लीपर है, और ये साइड वाली आप देख रहे हो ये सारी स्लीपर है। तो आप देख सकते हो जो भी आपको बुकिंग करवानी हो आप करवा सकते हो। सबसे आगे वाली देखो, ये वाली जो दो है ये सस्ती हैं, तो 1050 में है ये, और पीछे वाली अगर आप देखोगे तो ये 1350 रुपये में है। ये वाली देखो, ये 1150 में, सबके अलग अलग रेट है, वो सीट के हिसाब से होता है, कुछ सीटों में मतलब ज़्यादा उछलती है ना। देखो पीछे की जो है कम रेट इन्होंने रखे हुए हैं, 950 रुपये हैं पीछे की सीट के, क्योंकि पीछे क्या होता है ना बस ज़्यादा उछलती है इसलिए। तो पिकअप पॉइंट भी आप देख सकते हो, पिकअप पॉइंट है इसका ISBT कश्मीरी गेट मेट्रो गेट नंबर 1, और या फिर लक्ष्मी हॉलीडेज का जो ऑफिस है वहाँ से भी आप जा सकते हो। पूरी लोकेशन बताते हैं, ड्रॉप पॉइंट ये रहता है सुभाष पार्किंग कटरा, जो कि जो कटरा का मेन बस स्टैंड है ना, जहाँ पे एक निहारी का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से जो ये पार्किंग है ना लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इस तरीके से मतलब अपनी बस की बुकिंग करवा सकते हैं। देखो अलग अलग रेट सारे ले रहे हैं अलग अलग बस वाले, वो उनकी बस की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, बाकी देख सकते हो आप। तो मैंने जो अपनी बस बुकिंग करी है वो लक्ष्मी हॉलीडेज से करी है। दोस्तों हमारी बस आ चुकी है लक्ष्मी हॉलीडे, अभी जो है 9:10 है, तो बस हमारी यहाँ लग चुकी है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा रहने वाली है बस की फैसिलिटीज। तो भी देख सकते हैं नीचे की साइड में सेमी स्लीपर है और ऊपर जो है स्लीपर है, तो अपना तो स्लीपर था, नीचे सेमी स्लीपर है पूरा। तो भी मैंने वाइड एंगल पे किया हुआ है फिलहाल जो है, तो इसलिए थोड़ी क्वालिटी डाउन है। ये आप देख सकते हो इस साइड यहाँ पे सेमी स्लीपर है ये पूरा, ऊपर यहाँ आप देख सकते हो ये जो है स्लीपर, ये 2 पर्सन के लिए, हमारे कपल वगैरह है या फैमिली से आप हो तो 2 लोगों के लिए है, बाकी सिंगल को ये है। और सिंगल के लिए देखो इस साइड, मतलब मैंने ये डाउन साइड वाली जो है बुकिंग करी थी अपनी, SL4 वाला जो है अपना नंबर है। चलिए देखते हैं क्या क्या अपने को मिलती है फैसिलिटी यहाँ पे लक्ष्मी हॉलीडेज में।
यहाँ पे हमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है एक, बाकी आपके ये बैग के लिए मतलब मिल जाता है थोड़ा सपोर्ट रहेगा। ये एक ब्लैंकेट मिला है हमें यहाँ पर, और यहाँ नीचे एक पिलो भी लगा हुआ है, मतलब वो जॉइंट है नीचे जो पिलो है ये, यहाँ एक पिलो मिल जाता है। और वहाँ उस साइड तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ये कर्टेन है, ये आप बंद करो आराम से, ये देखो यहाँ से आराम से लगा सकते हो, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, एसी है ये। ऊपर भी मिल जाता है आपको चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे डाटा केबल लगा सकते हो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइट यहाँ लगी हुई है। बाकी यहाँ से फिलहाल तो एसी चल रहा है, ठंडी हवा निकल रही है यहाँ से ठंड के टाइम में भी। बाकी कुछ भाई भी हैं साथ में, क्वालिटी भाई थोड़ी क्वालिटी थोड़ी डाउन है क्योंकि वाइड एंगल पे है फिलहाल। आप कहाँ से आए भाई? दिल्ली से ही है। नहीं, दिल्ली में कहाँ से? द्वारका। द्वारका से? और आप साथ में हो? सारे भाई हैं। अच्छा, सारे भाई हैं साथ में, तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। लक्ष्मी ट्रैवल मतलब लक्ष्मी हॉलीडे से पहले भी ट्रैवल करा आपने? भाई ने करा। अच्छा, करा हुआ भाई ने, तो भाई भाई भी हैं साथ में, मतलब हम सारे जो है जा रहे हैं ये जो है कटरा। बाकी यहाँ पे देखो फैन वगैरह भी लगे हुए हैं, सफोकेशन ना हो जाए ताकि बस के अंदर, इसलिए फैन वगैरह लगे हुए हैं। तो वो जिस तरीके का जो है लुक है ये बस के अंदर का। तो भाई अपनी बस तो स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये जो है लोअर लेते हो ना स्लीपर, तो आपको एक कर्टेन मिलते हैं, पर्दे वगैरह लगे रहेंगे केवल, और अगर आप ऊपर के ही लेते हो स्लीपर तो आपको जिस तरीके से मिलेगा, आप इसको बंद भी कर सकते हैं गेट को, देखो मतलब नीचे केवल ये पर्दे भी लेंगे और ऊपर आपको इस तरीके से पूरा बंद कर सकते हैं इसको प्रॉपर। तो ये फ़र्क है भाई थोड़ा, अगर ऊपर से और नीचे से आप ये लेते हैं स्लीपर में। अभी भाई आप देख सकते हो ये 9:16 हो रहे हैं रात के, और देखते हैं भाई कितने बजे तक सुबह हम पहुंचेंगे वैष्णो देवी कटरा। अगली बस तो भाई हो चुकी है स्टार्ट, चल चुकी है, लेकिन अभी रास्ते में क्या ही मैं दिखाऊं, पूरा अंधेरा है बाहर। तो सुबह जब आएगा ना बढ़िया बढ़िया पहाड़ों का व्यूज़, तो तब मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये वाला भाई जो तो आप देख रहे हो ना ब्लैंकेट मिला है, ये कोई ज़्यादा कुछ मतलब मोटा नहीं है, काफ़ी हल्का है, तो इससे इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप अगर साथ लेके आओगे ना ब्लैंकेट तो बढ़िया रहेगा, तो सर्दी के टाइम में आप आ रहे हो तो साथ में ब्लैंकेट ले ही आना, क्योंकि ये काफ़ी पतला है, नॉर्मल सा, जैसे एक शॉल वगैरह नहीं होती वैसा ही है। तो भाई अभी जो 10:30 रात के, और मेरे पीछे आप देख सकते हो हवाई अड्डा जो मूर्थल के अंदर है रेस्टोरेंट, वहाँ इन्होंने बस रोकी है। तो यहाँ का ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तो ये हमारा पहला स्टॉप है हवाई अड्डा मूर्थल में जो है, वहाँ इन्होंने बस रोक लिया है, तो आधे घंटे का यहाँ पे स्टॉप है हमारा। तो यहाँ का ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ये देखो भाई जोकर सामने। तो ये आप देख सकते हैं भाई हवाई अड्डा मूर्थल, यहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, 10,000 लोगों ने देखा है, तो आप भी देख सकते हो जाके। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ की दी हुई है कि फूड मेन्यू क्या है, फूड टेस्ट क्या है, और कैसी ये जगह है, सब कुछ मैंने बताया उस ब्लॉग के अंदर। तो भाई मैं अंदर की साइड आया, और यहाँ पर देखो हमारी वीडियो चल रखी है भाई हवाई अड्डा की, ये स्क्रीन पर चल रखी है। यहाँ पे ये कैफे है नीचे, मतलब ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, यहाँ पे पार्टी वगैरह आप ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हो, उसके लिए एरिया है, ऊपर कपल्स वगैरह के लिए है, बाकी कैफ़े वगैरह है, बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। तो यहाँ मैंने देखा हमारी ही वीडियो चल रही है, काफ़ी कुछ आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली NCR में रहते हो, यहाँ पे आना भाई बनता है, यहाँ के आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हो, बच्चों को करवा सकते हो, कपल्स वगैरह तो आ सकते हो। खैर चलो चलते हैं अपनी बस में वापस, 30 मिनट के लिए बस रुकी थी और 30 मिनट हो चुके हैं पूरे, वो खड़ी अपनी बस सामने वहाँ पे। सारी लक्ष्मी हॉलीडे शायद यहीं पर ही रुकती है हवाई अड्डे पर, ये देखो दो ये रही, बाकी इससे पहले दो गई हैं और हमारी वहाँ सामने वो रही। चलो भाई चलते हैं वापस बस में, आधे घंटा तो हो ही गया है, तो बाय बाय हवाई अड्डा, मिलते हैं फिर कभी आएंगे खाने पीने। पर भाई साहब पूरा फॉग ही फॉग हो गया बाहर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग धुंध। तो दोस्तों हमारा जो अगला स्टॉप है वो सुबह के 7:30 हुआ है, और काफ़ी ठंड हो रही है भाई, रात में नींद बढ़िया आई है। तो टाइम देख सकते हो आप, सुबह के 7:30 रहे हैं अभी, और देखो फॉग कितने ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर भाई, यहाँ देखो इतने ज़्यादा ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और फिलहाल जो है पठानकोट हम आ चुके हैं, यहाँ पे एक ढाबा है, ये देखो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे ओस हो रहा है, फॉग हो रहा है, सुबह के 7:30। यहाँ पर इंटरसिटी खड़ी है, ये अपनी बस वहाँ पे खड़ी है उस साइड, यहाँ पे अभी हमें सड्डा चूल्हा, अभी भाई चाय लिया मैंने, 20 रुपए की ये चाय है, और खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है चाय में से, पीते हैं भाई, काफ़ी ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है चाय, सीरियसली मज़ा आ गया भाई, इतनी ठंड में ऐसे बढ़िया गरम गरम चाय पी है, इलायची अदरक लौंग सब कुछ डाला है, और केवल 20 रुपए की है बस। तो भाई वापस चलते हैं, बस के अंदर ठंड है क्योंकि काफ़ी,
सीट काफ़ी बड़ी आती बस की, काफ़ी अच्छी नींद आई है सारी रात। तो वही सुबह के 10:17 हो रहे हैं और देखो सिग्नल जा चुके हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं भाई जम्मू, लेकिन ये बाहर का देखो पूरा ये गीला हो गया भाई पोस्ट से, बाहर के व्यूज़ देखो भाई पूरे फॉग ही फॉग है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं, पूरा फॉग ही फॉग। चेकिंग के लिए जा रहे हैं उतर के, तो भी अपनी बस जो है ना चेकिंग के लिए अभी रुकी है, बस थोड़ा सा और रह गया है, यहाँ से त्रिकुटा पर्वत तो भी दिखाई दे रहा है, बस लगभग 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे कटरा के बस स्टैंड। बंदर काफ़ी सारे यहाँ पे ये देख सकते हो आप, लोग इनको खाने के लिए दे रहे हैं जो बस में लोग बैठे हैं, ये देखो वहाँ देखो वो बैठा है, मैंने बैग बांधा हुआ था, ये बैग देख रहा मेरा, ये साइड बैग है ना ये देख रहा, सोचा झपट्टा मारने की फिर मैंने बांध ही लिया। तो त्रिकुटा पर्वत जो है सामने हमें दिखाई दे रहा है, बस कुछ देरी में हम पहुँच जाएंगे, अभी चेकिंग के लिए उतरे हैं और अभी 11 बज चुके हैं सुबह के, एक बार देख लूँ टाइम, 11 नहीं भाई 11:56 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, 4 मिनट है बस, काफ़ी सारे बंदर हैं, ये देखो पुलिस चेकिंग ये है जो पोस्ट है। व्यू कितना अच्छा लग रहा है भाई यहाँ का, बहुत शांति है यहाँ पर, देखो गाय वहाँ पर, ये क्या बोलते हैं इसको, चर रही है यहाँ पर, ये घास वगैरह, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत शांति मिल रही है भाई। चलो भाई चेकिंग वगैरह अपनी होगी, अब चलते हैं वापस बस की ओर, ये आ गई अपनी बस। तो भाई वापस आ गए हम अपनी बस में, चल चुके अपनी बस, बस कुछ देरी में हम उधर जाएंगे अब। दोस्तों कटरा में आ चुका हूँ मैं, ये आप आवाज़ सुन रहे हैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, तो इस समय यहाँ पे उतारा ना, ये जो है जो कटरा की मेन बस स्टैंड है ना, वहाँ से ये जगह जो है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे जो है अपनी वॉल्वो रुकी है, सामने वो खड़ी है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप चाहो तो मतलब अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, ऑटो वगैरह वाले खड़े रहते हैं, ऑटो वाले आपको बोलेंगे, ऑटो वाले वैन वाले खड़े रहते हैं, बताएंगे आपको रूम वगैरह दिखा देंगे, और फिर वो यहीं यहाँ से ही आपको होटल लेके जाएंगे, और फिर जहाँ से भी आपकी बस है वो वापस भी छोड़ देते हैं, तो अगर आपका रूम बुक नहीं है ना तो आपको ये रूम वगैरह दिखा देंगे, बार्गेन कर लोगे ना तो अच्छे में आपको रूम दे देंगे, 1000 बताएंगे फिर 800-600 तक ही आ जाते हैं रूम पर, बार्गेन कर लेना बढ़िया से। मैं तो अभी जाकर देखूँगा, इसलिए जाकर देखूँगा मैं अभी रूम वगैरह का, बात करूँगा कुछ और लोग भी हैं शायद तो इसलिए मैंने यहाँ से भी बुक नहीं कराया रूम, तो आप चाहो तो इनसे भी मतलब रूम की बुकिंग करवा सकते हो, फ़ोन में फ़ोटो दिखा देते हैं कमरे की और इनसे रूम की बुकिंग आप करवा सकते हो, अच्छे रूम होते हैं दिखा देते हैं, तो आप चाहो तो यहीं से मतलब गाड़ी में बैठ के जा सकते हो या मेरी तरह पैदल जाओ वहाँ तक, फिर वहाँ जाके रूम लो, मर्जी भाई आपकी है, मैं तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी चढ़ाई करने की इसलिए पैदल ही जा रहा हूँ। वो देखो भाई अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से हम, ये तो भाई यहाँ पर अभी मैं एक शॉप पर आया हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर में आप आओगे ना तो अलग से आपको सिम लेनी होती है, जो आपकी नॉर्मल सिम होती है वो नहीं चलती, आपको पोस्टपेड लेनी होती है सिम, जो प्रीपेड होती है वो नहीं चलती भाई, तो यहाँ पे भी मैं सिम ले रहा हूँ, भैया ने बताया कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के लिए केवल सिम लेनी है 250 रुपये की होगी, अनलिमिटेड कॉल होगा, अनलिमिटेड उसमें 1 GB नेट मिलेगा पर डे, और अगर ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको लीजिए तो 400 की वो सिम रहेगी, उसमें आपको मंथली रिचार्ज करवाना पड़ेगा उसको एक्टिव करने के लिए, तो सिम अभी फिलहाल ले रहे हैं और फिर आगे कटरा बस स्टैंड की ओर हम जाएंगे, ज़्यादा दूर वैसे है नहीं, ऐसे पास में ही है, आप चाहो तो वॉक करके भी आ सकते हो, जरूरी नहीं था मतलब ऑटो लेना, पास ही में था, 1.5 किलोमीटर होगा बस, मतलब मैं 0.5 किलोमीटर चल के आ गया, थोड़ा और चलना है अभी। आपकी शॉप का नाम क्या वैसे? सेल सर्जरी। क्या नाम है? सेल सर्जरी.com।
अच्छा sulsarji.com। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भैया डोगरी भाषा चलती है ना? डोगरी भाषा चलती है। दोस्तों वहाँ पे सामने है कटरा का बस स्टैंड, काफ़ी शोर हो रहा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा भाई। तो वहाँ सामने कटरा का बस स्टैंड है, 10 से 15 मिनट में चला हूँ और यहाँ पहुँच गया मैं। अब यहाँ आपको काफ़ी होटल वगैरह मिल जाएंगे, रूम अगर आपको लेना हो तो। पूरी मार्केट है यहाँ पे वैष्णो देवी की जो है। दोस्तों मैं रूम ले चुका हूँ, बस से मैं आ गया था तो जहाँ पे बस ने उतारा था वॉल्वो ने, वहाँ से लगभग 15-20 मिनट में वॉक करके आया और कटरा का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ में आ गया। फिलहाल रूम में ले चुका हूँ, तो ये एक अगली वीडियो होगी कि रूम का किराया वगैरह कितना होता है। बहुत बढ़िया जगह मैंने रूम लिया, सामने ही अर्थक्वारी के दर्शन हम कर सकते हैं, देखो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है माता रानी की, तो यात्रा भी करेंगे। सारा ब्लॉग अब नेक्स्ट होगा, इस वीडियो में था इतना ही।